श्री महाशय जी, हमारे मेरे साथी, हमारे विधायक मोतीनगर से श्री सचदेवा जी, हमारे दिल्ली कैंट से विधायक श्री तंवर जी, हमारे मंच पर आसीन डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक जी, डॉक्टर रेश चौधरी जी, श्री हरनाम जी, श्री तंवर जी, श्री भारद्वाज जी और अध्यक्ष श्री राज सिंह जी, महासचिव श्री विनय आर्य जी और यहाँ सभी उपस्थित विभिन्न आर्य समाज संस्थाओं के पदाधिकारीगण, उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों और बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, मैं समय कुछ नहीं लूंगा, भाषण का कोई समय नहीं है। मैं आपको होली के इस पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे निरंतर लगातार 5 वर्ष हो गए हैं यहाँ आते हुए और हर बार मैं देखता हूँ कि आर्य समाज के हमारे जितने भी यहाँ अनुयायी हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इसके लिए मैं राज सिंह जी और अपने भाई विनय जी को और भाई कृपाल जी को मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का वो दिल्ली में एक अद्भुत आयोजन करते हैं जो होली के पर्व पर होता है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज आपने वो काम किया है जो शायद ही किसी ने किया हो कि सत्यार्थ प्रकाश का ब्रेल संस्करण निकालना अपने आप में एक अद्भुत काम है। आपने हर व्यक्ति तक सत्यार्थ प्रकाश को पहुंचा दिया है। ये बहुत बड़ी, सुनना एक अलग चीज होती है लेकिन मैं समझता हूं कि ये काम आपने वो किया। मैं आपसे आर्य समाज से अनुरोध करूंगा, राज सिंह की और भी जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनका भी प्रकाशन करिए। इससे बड़ी आपको कोई भगवान आपको कोई और आशीर्वाद नहीं दे। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई बधाई देता हूँ। महाशय जी आपको बधाई देता हूँ और अग्रवाल जी आपको बधाई देता हूँ। जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा आप आपसे एक अनुरोध है, मुझे परसों ही एक पत्र मिला है, मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने एक पत्र दिया है कि आर्य समाज का यहाँ स्मारक बनाना है दिल्ली में और मेरे से उन्होंने सुझाव मांगा है। मैंने वो पत्र की कॉपी राज सिंह जी आज आपके जिम्मे दे मैंने कृपाल जी को दे दी है, ताकि मिल गई है ना, विनय जी के पास मिल गई है। और मैं चाहूंगा जब के अगली होली जब यहाँ आए तो स्मारक का भव्य उद्घाटन हो दिल्ली में और महर्षि दयानंद जी के नाम से जो एक स्मारक बने वो एक ऐसा जहाँ से हमारे हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार हो, प्रसार हो सके और उसके साथ साथ हम वहाँ वो हमारा प्रेरणा एक स्रोत बने। तो मुझे पूरी उम्मीद है राज सिंह जी आप अपनी कमेटी में बैठ कर इस पर तुरंत विचार करके हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनको बधाई भी दें और उनके पास चले कि ये हमारी हमने इसका एक स्वरूप बनाया है ताकि हम सरकार को दे सकें, क्योंकि ये मेरा संकल्प था। और विनय जी इसके लिए बहुत लगे रहते हैं दिन रात। मैं इस नवयुवक की कितनी प्रशंसा, जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। आर्य समाज का एक सच्चा सपूत आपके पास है जो हमेशा दिन रात काम करता रहता है। और सबसे बड़ी विनय जी में जो सबसे बड़ी खासियत है, महाशय जी मैं ये कहूंगा कि ये सबको जोड़ने का काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने ही सनातन धर्म और आर्य समाज को भी जोड़ दिया। ये इनकी और राज सिंह जी की और महाशय जी की और कृपाल जी की बहुत बड़ी देन है आर्य समाज को। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और फिर एक बार होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आज की इस उपलब्धि के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।